Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार देखो, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारे दुखों में इजाफा करूं। मैंने तो इसलिए की थी कि तुम्हारे दुख शेयर कर सकूं। क्यों गए थे उसके पास? बर्दाश्त आ रहे? विपत्ति में बर्दाश्त? क्यों गए थे उसके पास? दफा जाओ, नहीं रहो इस कमरे में, जाओ। मेरा घर, मेरा शोर, सब कुछ छीन लिया उसने। तू यहाँ क्यों रह रही? क्यों रह रही है भाई? इसे अब निकाल के ही रहूंगी, निकाल के ही दम लूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। निकाल दो मुझे। क्या कर रही हो? होश करो। सब क्या हुआ? सब आप कैसी है? आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। आप लोग दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए। ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो नफीसा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी वो दूसरों के किए की सजा भुगतती रही है करीम। अरे हमारी लापरवाही की वजह से उसकी जिंदगी जानलोग बन गई और फिर शारिक की गफलत ने उसे इस हाल में पहुंचा दी। अगर शारिक ने दूसरी शादी ना की होती तो मेरी बेटी आज इस हाल में नहीं होती। जिसे मैंने अपने बेटे का मसीहा समझा उसी ने मेरी बेटी को आज मौत के मुंह में डाल दिया है। करीम मैं आपको एक बात बता रही हूँ, खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं इसको कभी नहीं माफ करूंगी। मैं शारिक को कभी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह से दुआ करूंगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा। सबा को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज हौसला रखें। ये सब मेरी गलती है। सभा की ये हालत मेरी वजह से है। आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर है, मेरा ही कसूर है।
मैंने अपने दिल की बात सुनी, ये मेरा कसूर है। मैंने तुमसे शादी की, ये भी मेरा कसूर है। अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो सिम्बा की ये कंडीशन कभी ना होती। क्या मिला इस शादी से? तुम भी खुश नहीं हो, मैं भी खुश नहीं हूं, और सबा सबा आज मौत के मुंह में पड़ी है। ये वो लड़की है जो मुझे खुद से भी ज्यादा आसीज है। आज मेरी वजह से मौत के बिस्तर पे लेटी है। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। मेरी पहली जिम्मेदारी तो सबाई थी। चले जाओ यहां से साया, खुदा के लिए यहां से चली जाओ प्लीज। प्लीज चले जाओ यहां से। समझिया समझिया दिल दिया गलिया, समझिया मेरिया बाबा, आ जा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सारा। तेरे बिना किवें करां दूर दास। नाज़िम जी सर, तुमने जोया मैडम को देखा? नहीं सर, मैंने आज उन्हें सुबह से नहीं देखा। क्या मतलब? सर मैं तो ये समझा कि वो आपके साथ हॉस्पिटल में। ड्राइवर को बुलाओ। राइट सर। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो छोटी सी बच्ची तो नहीं है। यूं बिना बताए घर छोड़कर चले जाना मामूली बात नहीं है रफीसा, और वो अपने मैके भी नहीं पहुंची है, ये परेशानी की बात है। जाने किस हाल में होगी वो? मैंने कितना मिस किया, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे मेरा साथ। तेरे बाजू जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा की ना तेरे बाजू। मुबारक हो डीसी साहब, अल्लाह ने आप लोगों की दुआएं सुन ली, आपकी बेगम को होश आ गया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब वो खतरे से बाहर, थोड़ी ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग उन्हें मिल लीजिएगा। बट रिमेंबर शी नीड एक्स्ट्रा केयर। थैंक यू।
शारिक उठो, जाकर आराम करो अपने कमरे में। 24 घंटे से जाग रहे हो तुम। नफीसा और करीम को भी उनके कमरे में जबरदस्ती छोड़कर आई। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ। किसी भी दवाइयों के असर से ये बहुत देर तक सोती रहेगी। चलो उठो, उठो शाबाश। मैं ठीक हूँ। चलो उठो, जाओ जाकर आराम करो। उठो ना, उठो शाबाश। चलो उठो, चलो जाओ। जी सर, तुमने जोया मैडम को देखा? नहीं सर, मैंने आज उन्हें सुबह से नहीं देखा। क्या मतलब? सर मैं तो ये समझा कि वो आपके साथ हॉस्पिटल में। नहीं रात, ड्राइवर को बुलाओ। राइट सर। जी सर। तुमने रात को जोया मैडम को कहाँ छोड़ा? सर रात को तो गाड़ी लेके आया था, लेकिन सुबह मैम ने बोला कि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे। एयरपोर्ट? जी सर। क्यों, कहाँ जा रही थी? सर बताया नहीं। कितने बजे? तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शारिक बात कर रहा हूँ, जोया का हस्बैंड। अरे शारिक बेटा, कैसे हो तुम? जोया और समीर कैसे हैं? हेलो जी, मैं ठीक हूँ, जोया और समीर भी ठीक है। बेटा मेरी बात करवा दो उनसे। एक्चुअली आंटी, मैं इस वक्त घर पे नहीं हूँ, वैसे काफी दिन हो गए थे तो सोचा आपकी खैरियत मालूम कर। अरे जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कभी तुम चक्कर लगाओ ना हैदराबाद, इसे शादी के बाद सुई नहीं आई, उसे भी जरा रहने के लिए छोड़ दो। जी मैं जरूर कोशिश करूँगा। अच्छा आंटी, बस आपकी खैरियत मालूम कर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। सोया ऐसी लापरवाह लड़की तो नहीं है, फिर इस तरह अचानक घर छोड़कर कैसे चली गई? उसे तो घर छोड़ के जाने की आदत है। शारिक बेटा, तुम दोनों के दरमियान कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, नहीं तो? तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो छोटी सी बच्ची तो नहीं है? यूं बिना बताए घर छोड़कर चले जाना मामूली बात नहीं है नफीसा, और वो अपने मैके भी नहीं पहुंची है, ये परेशानी की बात है। सारे किस हाल में होगी वो? सारे तुम ऐसा करो कि तुम खुद जाओ एयरपोर्ट पे पता करो जाके, और इस मामले में ज्यादा देर मुनासिब नहीं, तुम जाओ प्लीज। जाओ जाओ जाओ। नफीसा, तुम्हें शारिक के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, वो पहले इतना परेशान है, ऊपर से तुम। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया है? सच्ची तो कहा है, वो मजे से गई है, किसी ने उसको धक्के दे के तो नहीं घर से निकाला? आपा ठीक कह रही है नफीसा, जवान लड़की, ऊपर से बच्चे का भी साथ है, तुम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। बस करे करें, मुझे जोया से कोई गरज नहीं है। मुझे अगर कंसर्न है ना, तो अपनी बेटी की खुशी के साथ, जो उस लड़की की वजह से मरते मरते बचे। आप फिक्र ना करें, जोया का पता चल जाएगा, डोंट वरी। चली गई जोया, अच्छा हुआ। जब आपके पास होती है ना वो,
तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। दिल चाहता है कहीं दूर चली जाए, गायब हो जाए कहीं। चली तो गई हॉस्पिटल में सबा की परेशानी की वजह से, पता नहीं मैंने उसको क्या क्या कह दिया। और वो भी कितनी फरमा बरदार बीवी निकली, मेरे एक दफा कहने पे मेरी बात मान ली। मैं तेनु कैसे इंसान है आप करीम, अपनी बेटी की सौतन की फिक्र में भूले चले जा रहे हैं। तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उस महमूद का साया इसकी जिंदगी से हट गया। I don't believe this. एक माँ होकर इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो तुम? अरे वो भी किसी की बेटी है, उसकी जगह हमारी सभा होती तो? अल्लाह ना करे उसकी जगह मेरी बेटी क्यों होती? क्यों बटवाले निकाल रहे अपनी बेटी के लिए? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे कुछ नहीं समझना, मेरे इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जिस लड़की की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई वो शारिक की जिंदगी से चली गई। इसके अलावा ना मुझे कुछ समझना है और ना कुछ सोचना है, ओके? मुझे मेरी सिर्फ बेटी की खुशी चाहिए। जिस जोया से मैं तुम्हें बात समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अगर अपनी बेटी की खुशी चाहिए तो दुआ करो कि जोया मिल जाए, क्योंकि जोया नहीं मिली तो शारिक खुश नहीं रह पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। जी तैमूर साहब, एक्चुअली मैं आपको कैसे समझाऊं, एक्चुअली मैं किसी को लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी फीमेल है तकरीबन 30 साल। मेरी जान मेडिसिन ले ली। नहीं सबा बेटा क्यों तंग कर रही हो, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेन शुरू हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा था ना कि टाइम पे मेडिसिन लेनी। चलो मुझे नहीं खानी मेडिसिन। बेटा अच्छा हुआ शारिक तुम आ गए, इतनी देर से मैं से कह रही हूँ कि अपनी मेडिसिन ले ले और ये मेरी बात नहीं मान रही। क्यों नहीं ले रही मेडिसिन? लाए मुझे दे, मैं देखता हूं कैसे नहीं खाती। चलो शाबाश जल्दी से खा लो। सबा शाबाश। अरे बा, मैं इतनी देर से कह रही थी मेरी बात नहीं मानी और अपने शौहर के कहने पे एक सेकंड में तुमने गोली खा ली। शारिक अब तुम यहाँ हो तो मैं इसका खाना भी ले आती हूँ, तुम अपनी निगरानी में से खिला लेना। मैं खाना लेके आती हूँ। चली गई जोया, अच्छा हुआ जब आपके पास होती है ना वो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। दिल चाहता है कहीं दूर चली जाए, गायब हो जाए कहीं। चली तो गई। उसके दूर जाने से इतना उदास क्यों हो जाते हैं हम?
पसंद करते हैं ना उसे, मुझसे भी ज्यादा। अच्छा चलो चलो अब सो जाओ, ना मत सोचा करो, हमारी तबीयत खराब हो जाए। शारिक बैठो। इसी तरह मैं भी आपको परेशान नहीं देख सकती। मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो। चलो शाबाश, लेट जाओ। बताना तो पड़ेगा ना शारिक, ये बात छुप नहीं सकती। आखिर कब तक नहीं बताओगे? कितने बड़े बड़े दावे किए थे उनसे, कैसे शक्ल दिखाऊंगा, क्या कहूंगा, कहां चले गए? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर बैठे बिठाए हो क्या गया, क्यों किया उसने ऐसा? मेरी वजह से। मैंने खुद उसको कहा था कि चली जाए यहां से। क्या ये क्या किया तुमने शारिक? हॉस्पिटल में सभा की परेशानी की वजह से पता नहीं मैंने उसको क्या क्या कह दिया। और वो भी कितनी फर्मा बरदार बीवी निकली, एक दफा कहने पे मेरी बात मान ली, चली गई मेरी जी से हमेशा के लिए। अरे तू भी क्या शादी के चक्कर में पड़ गई? आज तूने अगर शमशु से शादी की होती ना तो आराम से अपने मियाँ के साथ रह रही होती। बिना शोहर के भी कोई जिंदगी होती है औरत की। और फिर अगर तुझे शादी कर ही ली थी तो अपना घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी तुझे? जोया का फोन है। जी माजी, माजी मैं समीर का पूछा समीर कैसा है। दादा पूछा समीर कैसा है। हम दोनों बिल्कुल ठीक है। आपका पोता बहुत शरारती हो गया। शारिक इतने दिनों के लिए शहर से बाहर क्यों चले जाते हैं? बेटा मर्जात को घर से बाहर 100 काम होते हैं और फिर उसकी तो जॉब ही है।